हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घर का खाना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना खिचड़ी बनाने की रेसिपी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सब में अहम चीज़ है साबूदाना भिगोने का प्रोसेस। अगर ये ठीक से भीगा नहीं होता है या फिर ज़्यादा पानी में भीगा होता है तो आपकी खिचड़ी एकदम ख़राब और चिपचिपी सी हो जाती है। और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी खिचड़ी एकदम मोती की तरह खिली खिली बनेगी और अंदर से भी परफेक्ट भीगी होंगी। ये देखिए एकदम मोती की तरह खिला खिला साबूदाना। आपको दो पानी से साबूदाना अच्छी तरह से धो लेना है, फिर एक छन्नी पे डाल देना है, फिर वापस इसको उसी बाउल में डाल देना है जिसमें आपको इसको भिगोना है। और जितना आपने साबूदाना लिया है उसी कप से आपको पानी लेना है। हमने यहाँ एक कप साबूदाना लिया तो एक कप ही पानी लिया था और एक पानी में इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दे या फिर इसको ओवरनाइट भिगो दे तो फिर आप देखेंगे आपका साबूदाना जो है एकदम परफेक्टली भीगा है। इसको बनाने के लिए हमने यह गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि मूंगफली का कच्चापन निकल जाए और इसका बढ़िया टेस्ट भी आए। और मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और लो फ्लेम पे उसी घी में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया था और इनको हम हल्के हल्के हाथों से भून लेंगे। अब हम साबूदाना डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे भुनी हुई मूंगफली का पाउडर और साथ ही डालेंगे फ्राई की हुई मूंगफली और एक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 लेमन जूस डालेंगे जो इसको खिला भी रखेगा और टेस्ट भी बढ़ाएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी एकदम खिली खिली साबूदाना खिचड़ी, एकदम परफेक्ट बनी है। और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना एकदम मोती की तरह खिला हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। और फाइनली हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से, सभी की ऑल टाइम फेवरेट। तो ज़रूर इस टेस्टी और मोती की तरह खिली खिली साबूदाना खिचड़ी को ज़रूर ट्राई करें।
रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।